फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अक्षत दाधीच और आज मैं LCM एंड HCF का फोर्थ पार्ट बना रहा हूं। HCF हमने पूरा पढ़ लिया था, उसके एग्जांपल्स भी देख लिए थे। अब हम पढ़ेंगे LCM। LCM की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल्स मैं आपको पहले बता चुका हूं पार्ट वन में, पार्ट वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब होता है? तो कॉमन लिखा है इसका मतलब दो या तीन नंबर्स में हम ये LCM निकालते हैं। तो ऐसे मान लेते हैं कि हमें 6, 4 और 2 का LCM निकालना है। तो हम देखेंगे कि इन तीनों के मल्टीपल्स पहले हम निकाल लेंगे और उन मल्टीपल्स में से ऐसा नंबर लेंगे, ऐसा मल्टीपल लेंगे जो तीनों में आता हो और उन तीनों में ही सबसे छोटा हो। अब मैं बताता हूँ कि 6, 4 और 2 का LCM हम निकालते कैसे हैं। तो 6, 4 और 2 का LCM हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालते हैं। HCF में हमने क्या किया था कि एक एक नंबर का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। इसमें क्या करेंगे हम, एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन में इन तीनों का LCM निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको एक सिंपली प्लस बना देना है और इसके राइट साइड में 6, 4 और 2 नंबर लिख देने हैं। ये मैंने 6, 4, 2 लिख दिए। अब मुझे इन तीनों का ही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो मैं देखूंगा ये तीन किसकी टेबल में आते हैं, सबसे छोटा ऐसा नंबर जिनकी टेबल में ये तीनों आते हैं। तो 2 है ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसकी टेबल में ये तीनों आते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये सब 2 से डिविजिबल है। तो ये है 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2। अब हम इनको देखेंगे। 3, 2 और 1 ये नंबर्स आ गए। तो 3 और 2 तो प्राइम नंबर्स हैं और 1 को हम लेंगे नहीं। तो हम सबसे पहले 3 का ही कर लेते हैं, और क्योंकि 2 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है इसलिए हम 2 को एज इट इज़ नीचे उतार देंगे और 1 को भी एज इट इज़ ही उतार देंगे। अब हमारे पास आ गए 1, 2, 1, यानी कि 1, 1 आ गए। अब केवल बचा हमारे पास 2, तो वही हम कर देंगे 2, 1 जा 2। और ये आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे 1, 1, 1 आ गया। इसका मतलब आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन पूरी हुई। अब मैं बताता हूँ कि ये इतना करने के बाद आपको LCM कैसे निकालना है। आपको निकालना है इन तीनों को मल्टीप्लाई करके। 2 × 3 × 2 = जो भी होगा वो क्या होगा, 6, 4 और 2 का LCM। तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा और 6 × 2 = 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6, 4 और 2 का LCM है हमारा 12। तो हमने देख लिया कि LCM निकालते कैसे हैं। तो अब बारी है कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेस करने की। पहला एग्जांपल है LCM ऑफ 20, 25 एंड 30। इनका LCM मैं आपको निकाल के बताता हूँ। 20, 25 एंड 30 इनका निकालना है हमको LCM। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख दूंगा 2, 10 और 25 डिविजिबल नहीं है इसलिए 25 को एज इट इज लिख दूंगा, और 30 15 टाइम्स डिविजिबल है इसलिए यहाँ पे लिख दूंगा 15। अब ये तीनों कॉमन आ रहे हैं 5 की टेबल में, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 4 × 5 = 15। अब आ गए यहाँ पे तीनों प्राइम नंबर्स, तो एक एक का कर दूंगा मैं। 1 लिखा और इनको एज इट इज नीचे उतार दिया। फिर 5 लिखा और 3 को एज इट इज नीचे ले लिया। फिर 3 लिखा और ये हो गई हमारा LCM। नीचे 1, 1, 1 आ गया और LCM भी हमारा पूरा हो गया, यानी कि 2 × 5 × 2 × 5 × 3। यहाँ 2 × 5 × 2 × 5 × 3 ये आ गया।
अब इनको इसको हमको करना है और पता लगाना है कि 20, 25 और 30 का एलसीएम क्या हुआ। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 20 एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 100 एंड 100 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 300। तो 300 क्या हुआ हमारा एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30। तो ये एग्जाम्पल हमारा हो गया। तो अब हम एक्सरसाइज 3.7 एनसीईआरटी मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 10B करेंगे। 12 और 5 का एलसीएम हमको निकालना है। तो हम 12 और 5 का एलसीएम यहाँ पे निकालते हैं। 12 और 5 का, पहले मैं 5 का कर देता हूँ और नीचे बचा 12। 2 6 12, 1 as it is, 2 3 6, 1 as it is एंड 3 1 3, 1 as it is। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों का। अब हमें क्या करना है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये करना है हमको। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 20 एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 60। तो 60 क्या हुआ एलसीएम ऑफ 12 एंड 5। अब आपको क्या करना है कि आपको 120, 100 इसका एलसीएम निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। इससे आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी एलसीएम की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। और हाँ, 120 एंड 100 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों लिखना है।